तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी हो चुकी शाम को डिनर की तैयारियाँ। तो मैं छील रही हूँ मटर। आज सोच रही हूँ आज डिनर में मटर पनीर बनाऊंगी। आप देख ही रहे हो आज मेरी थकान। वैसे तो रोज ही थक रही हूँ आजकल, पर आज कुछ ज्यादा सा ही थकान महसूस कर रही हूँ। आज का दिन इतना गंदा था, इतना गंदा था फ्रेंड्स। आज मेरे कोई भी काम अच्छे से नहीं हुए हैं, जिसको बोलते हैं ना पता नहीं क्या बोलते हैं तो जैसे टोक लगती है ना एक, बस वही सब हुआ है। यहां से निकली मार्केट, जिस जिस काम करने के लिए भी निकली वो कोई भी काम नहीं बना। पर लगातार लगातार मुझे किसी अनोन नंबर से कॉल आ रहे थे। मुझे नहीं पता किसका कॉल था वो, पर बार बार कॉल कर रहे थे, बोल रहे थे हम आईसीआईसी बैंक से बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लगा शायद मेरे ना आईसीआईसी बैंक से जो है ना मंथली इंस्टॉलमेंट गाड़ी की वो कटती है, तो शायद वहां से कॉल आया होगा, रिसीव कर देती हूँ। जब मैंने सुना वो लोग बोलते आपको हमने एक गिफ्ट कार्ड भेजा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो रिसीव करने के लिए ओटीपी भेजना पड़ेगा। तो मैंने बोला मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए। मैंने उनको पहले ही मना किया, मुझे कोई भी कार्ड नहीं चाहिए आप लोगों का, आप उसको कैंसिल करो। फिर मैंने कॉल काट लिया। दोबारा से उनकी कॉल आई कि मैम कैंसिल करने के लिए आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, वो आप शेयर कर दो। और तो देख लो नसीब, शुक्र है भगवान का मैंने ओटीपी शेयर नहीं किया। आजकल स्कैम चल रहा है ना। पिछले कल ही मेरे बेटे की कॉल आई थी मुझे कि मम्मा अपने फोन से किसी को भी अननोन नंबर पे ओटीपी शेयर मत करना, अगर किसी का कॉल आए तो पहले हमसे कांटेक्ट करना उसके बाद। तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया, मैं करने ही वाली थी ओटीपी शेयर उन लोगों को, और मेरी आंखों के नीचे जो है ना धुंधलापन छा गया। और मैंने बताया वो कॉल पे ही थी, लड़की थी जो भी थी वो कॉल पे थी। मैंने बोला अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं घर जाके करती हूँ, वापस करती हूँ आपको इस नंबर पर कॉल, अभी मैं आपको कोई ओटीपी नहीं बता सकता। फिर मैंने फोन काट लिया। फिर दोबारा से उनका फोन फिर से कॉल आया, और मुझे पता है गुस्से से लगी बोलने, मैम इतनी सी तो बात है, ओटीपी तो चाहिए आपसे, और क्या मांगना है, तभी कैंसिल होगा हमारा कार्ड जो भी है। मैं उस टाइम थी टेलर मास्टर की शॉप में, जहाँ हम लोग कपड़े स्टिचिंग के लिए देते हैं ना उनकी शॉप में, और वो हमें अच्छे से जानते हैं। उन्होंने बोला क्या हो गया मैम आप परेशान है? मैंने बोला ऐसे ऐसे मुझे किसी की कॉल आ रही है आज बार बार, वो मान ही नहीं रहे, वो बोल रहे हैं ओटीपी शेयर करो अपना। कहते हैं ओटीपी मत करना आप शेयर, उनको डोज दो अच्छे से, बैंक वाले कभी ऐसे कॉल नहीं करते हैं बार बार, तो ये तो आपको लगातार कॉल कर रहे हैं, 2-3 बार तो मेरे सामने ही आ गया इनका कॉल। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप बोल कौन से बैंक से रहे हो? बोलते आईसीआईसी बैंक से बोल रहे हैं। मैंने बोला बैंक वाले कभी ऐसे परेशान नहीं करते जितना परेशान आप कर रहे हैं, सुबह से मेरे को कितने कॉल कर चुके ओटीपी लेने के लिए। अच्छा जब आपने कार्ड मुझे भेजा तो मैंने बोला आपको मेरे लिए कार्ड भेजो, तो जैसे आपने खुद से कार्ड भेजा है मुझे वैसे ही आप कैंसिल भी कर दो उसको, मुझे नहीं चाहिए आपका कार्ड, नहीं ओटीपी चाहिए तभी कैंसिल होगा ये। और मैंने बोला अगर तुम्हारा कॉल किया ना मैं पुलिस स्टेशन में भेज दूंगी आपका नंबर। फिर उन्होंने कट किया। उसके बाद मुझे कोई कॉल नहीं किया फ्रेंड्स, मैं बच गई, नहीं तो आज बहुत बड़ा चूना लगने वाला था मुझे अगर मैं ओटीपी शेयर करती। पता है मेरे बेटे ने क्या बताया था कि मम्मी मेरे फ्रेंड की मम्मी को ऐसे ऐसे किसी का कॉल आया है, और उन्होंने ओटीपी बता दिया अपना, और थोड़ी ही देर में पता चला उनके बैंक अकाउंट से 4,60,000 रुपये साफ एकदम से। फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा, मार्केट में भी जिस काम के लिए गई थी वो काम भी नहीं हुआ, मैं सीधे घर को आ गई। अपने पेरिस पार्कल गई थी, मेरी सेकंड सिटिंग थी मेरे फेशियल की, तो वो लेके सीधा अपने घर को आ गई, और थकी हारी घर में थे आज हस्बैंड,
उनकी आज तबीयत थोड़ी सी फिर से ढीली है तो वो रेस्ट पे है। आते ही मैं उनके साथ लड़ पड़ी। मैंने बोला आप हमेशा ही बोलते थे ना किसी का फोन तो नहीं आया, हो गया तुम्हारा अकाउंट खाली। मजाक करते रहते थे हमेशा मेरे साथ। और सच में आज ऐसा होते होते बच गया फ्रेंड्स। तो आप लोग भी अगर आपको किसी अनोन नंबर से कॉल आए और ओटीपी मांगे तो आप कभी भी ओटीपी शेयर मत करना उनसे, किसी भी चीज का ओटीपी हो। भले ही वो बोले आपको आपको कार्ड भेजा है हमने, अगर आपको नहीं चाहिए तो आपके इसी नंबर पर ओटीपी आएगा, वो हमसे शेयर करो, तो कभी मत करना शेयर। जब हम लोग कोई चीज ऑर्डर करते ही नहीं है तो हम कैंसिलेशन का क्यों भेजें उनको ओटीपी। तो हमेशा सावधान रहे और सुरक्षित रहे अपने अपने घरों में। भगवान करे नहीं तो मैं भी अभी को शायद अटैक आ चुका होता मुझे, क्योंकि बेटी की भी शादी पास आने वाली है और आज तो मैं गई थी काम से, अगर मैंने ओटीपी शेयर कर दिया होता उनसे। तो गाइस हमेशा सतर्क रहे। तो ठीक।